दोस्तों उपवास व्रत के अपने नियम हैं। आयुर्वेद का उपवास व्रत और ढंग का है और साधना का व्रत उपवास और ढंग का है। व्रत सख्त नियम और व्रत की बहुत सी विधियां हैं, बहुत से विधान हैं। कभी कभी व्रत में आज आपने एक ग्रास खाया, कल दो खाएंगे, फिर तीन खाएंगे, ऐसे 15 तक 12 तक ले गए, फिर उसको 1 2 3 4 5 एक पे ले आए, तो उसको चांद्रायन व्रत बोलते हैं। तो कठिन व्रत है, कहीं ऐसा व्रत कि आप सिर्फ पानी पी के जिएंगे। जैन लोग आपने देखा उपवास करते हैं तो पानी पे रहते हैं। बात है कि शरीर को डिसिप्लिन में लाना, शरीर को जो वो चाहता है वो नहीं देना, जो मन चाहता है वो नहीं देना, जो हम चाहते हैं वो करना। ये हम कह रहे हैं कि तू उपवास कर भी नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ, तो हमारा कितना कंट्रोल है शरीर के ऊपर, हमारा कितना कंट्रोल है मन के ऊपर, उपवास से पता चल जाता है। उपवास है छोटा कि आप थोड़ा थोड़ा खाते रहो। अगर मान लो पूरा मन नहीं मान रहा आपका, पूरा शरीर नहीं मान रहा, तो क्या करना, तो फिर छोटा आप कर लो। उसमें है कि जैसे आप जूस पी करके रहो, मुंह से मत चबाओ कुछ, लस्सी पियो, दूध पियो, कोई पीने वाले और पदार्थ ले लो। और कहीं कहीं चाय कॉफ़ी को भी दोस्तों मना करते हैं कुछ, पर चाय हम जन्म से ही पी रहे हैं, जो उनके लिए तो मैं कहूँगा कि ऐसा भी विधान दिया कि निर्णय सिंधु हमारा ग्रंथ है, तो निर्णय सिंधु हमारी सुप्रीम कोर्ट है हिंदू धर्म की, तो उसमें उन्होंने लिखा है प्रेग्नेंट औरत, बुजुर्ग, बच्चा और बीमार, तो उसके लिए नियम में बहुत ढील दी गई है कि मान लो आप कुछ खाते नहीं हैं और उपवास फास्ट आप कर रहे हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, जा कोई साधना कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, तो आपने कुछ खाया नहीं, आप तो लेटे हुए हो, बीमार हो गए हो, कमजोर हो गए हो, तो साधना कैसे करोगे। तो ये शरीर भी उस भगवान का है, शरीर के नियमों का पालन करते हुए आपका शरीर कहाँ तक सहन करता है, ताकि आपका मकसद साधना है, मकसद उपवास नहीं है आपका, तो साधना आपकी भंग ना हो जाए, साधना से आप कहीं इधर उधर ना चले जाएं, इस ढंग से आप फास्ट करें, व्रत करें, उपवास करें।